हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टॉप 10 क्लासेस। मैं हूं सौरभ और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या कह रहा है हमारा सवाल? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो हमारा अभ्यास 1.2 का सवाल पहला दिया, उसमें हमारा सत्य और असत्य को पूछा है। तो हमारा पहला सवाल जो कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम पहले जानते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। हम लोग जानते हैं हमारा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। और हमारा सवाल में कह रहा है अपना कारण लिखिए उत्तर का। तो हम लोग कारण बताते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना है। अतः हमारा कथन क्या है? सत्य है। दूसरा सवाल हमारा कहता है पहले का कि संख्या रेखा का प्रयोग प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या हमारा हो जाएगा आंसर नहीं। हम इसका कारण क्या है, आइए कारण भी हम लोग जानते हैं। हमारा कारण कह रहा है प्रत्येक यम प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक यम क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पर केवल 1, 2, 3, 4 बिंदु क्या होने चाहिए? 1, 2, 3, 4 बिंदु होने चाहिए। अतः हमारा संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु जो अंडर रूट यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, यह हमारा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा कारण आप लोग जान सकते हैं, प्रत्येक यम प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल 1, 2, 3, 4 बिंदु होने चाहिए। अतः कथन हमारा क्या है? असत्य है। क्या है डियर स्टूडेंट? असत्य है। तीसरा हमारा सवाल कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारे तीसरे का हो जाएगा नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। हमारा इसका कारण है क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय क्या होती हैं? दोनों होती हैं। जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वह हमारा परिमेय भी होता है और अपरिमेय होता है। अतः हमारा कथन क्या हो गया? असत्य है। अतः कथन क्या है? असत्य है। अतः कथन असत्य है। तो आइए डियर स्टूडेंट, हमारा पहला सवाल आप लोग हल हो गया। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, दूसरा सवाल, उसमें पूछ रहा है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यह हमारा हो गया पहला सवाल। और आगे क्या कह रहा है? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है? ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है? परिमेय संख्या है। हमारा सबसे पहले पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। हमारा आंसर हो जाएगा इसका नहीं। नहीं किस लिए? सभी धनात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। सभी धनात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। हमारा क्या हो गया? नहीं, गलत हो गया। और फिर आगे कह रहा है, नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हम लोग आइए उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हमारा जैसे अंडर रूट 9 हुआ, ये हमारा क्या है? अंडर रूट 9 है। अंडर रूट 9 को हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका हमारा वर्गमूल है, इसका जब हम वर्ग लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अतः यह हमारी क्या है? 3 हमारा ये क्या है? परिमेय संख्या है। 3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हमने आपको सबसे पहले ही क्लास में बता दिया था, जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू हमारा जो क्या हो, 0 ना हो, उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमारा जो अभ्यास 1.2 का सारे सवाल जो थे समाप्त हो गए।
और अब हमारा अभ्यास, अगला अभ्यास 1.3 में हम आप लोगों से मिलेंगे, आपका अभ्यास 1.3 को लेकर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।